हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो अब तो आपकी तैयारी फाइनल मोड में आ चुकी होगी, क्योंकि आपके यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो ये जो हमारा जो चल रहा आपके क्या कहते हैं पीवाईक्यू का जो सेट चल रहा है, ये आपके क्या कहते हैं यूपी पुलिस को ही ध्यान में रख के चल रहा है, और इसमें आपके क्या कहते हैं बहुत ही मतलब बेस्ट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को देख रहे होंगे, और इसी सीरीज में जो है आपका आज हम लोग जो लेके आ रहा हूं मैं आपके, यह सेट 12 तो ये आप सेट जो है वो जरूर देख के जाएं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वहां पे। तो इसमें हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? लखनऊ बॉय बुक का नाम है ये, ठीक? लखनऊ बॉय बुक के लेखक कौन है? तो यह है आपके विनोद मेहता, विनोद मेहता, ठीक? ये भी आप ध्यान रखें। एक अभी बुक आपको लेटेस्ट याद रखनी, नाइफ। तो नाइफ जो है किसकी किताब आ रही है? सलमान रुश्दी की लेटेस्ट बुक आ रही है ये नाइफ। और एक बुक ऑलरेडी जो पिछली किताब है वह है आपके विक्ट्री सिटी। तो विक्ट्री सिटी भी जो किसकी है ये? यह है आपके सलमान रुश्दी की किताब है विक्ट्री सिटी। एक किताब और याद रखनी है, ये भगवान राम के ऊपर है, साइंस ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। साइंस का मतलब होता है भाई आपके उत्तराधिकारी जिसको कहा जाता है, साइंस ऑफ इक्ष्वाकु। तो ये किसकी किताब है? ये वाराणसी से राइटर है आपके, बहुत ही फेमस राइटर है, और इस राइटर का नाम क्या है? यह है आपके अमीश त्रिपाठी, ठीक? तो आपको जैसे पता होगा कि भगवान राम जो थे कौन से वंश से थे, कौन से डायनेस्टी से थे, तो ये थे आपके इक्ष्वाकु वंश से। तो इन्हीं के ऊपर ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके अमीश त्रिपाठी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर टू, किन जैन तीर्थांकरों का जन्म स्थान अयोध्या था? तो कौन कौन से जैन तीर्थांकर थे जिनका बर्थ प्लेस क्या था आपके? जैन तीर्थांकर जिनका बर्थ प्लेस जो था आपका अयोध्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पहले फर्स्ट तीर्थांकर और आपके क्या कहते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थांकर, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट आपके कौन से हो गए? ऋषभदेव। फर्स्ट कौन से हो गए? ऋषभदेव। और चौथे हो गए आपके अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन नाथ, ठीक? टोटल आपको पता ही होगा 24 तीर्थांकर होते हैं वहां पे, ठीक? 24 तीर्थांकर होते हैं वहां पे जैन धर्म में। तीर्थांकर का मतलब क्या होता है? ये होता है आपके धर्म गुरु। तीर्थांकर का मतलब क्या होता है? धर्म गुरु या रिलीजियस टीचर। और जो आपके क्या कहते हैं अंतिम और जो 24वें धर्म गुरु थे वो कौन से थे? तो ये थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थांकर। तो 24वें तीर्थांकर थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये जिनका नाम था बचपन का, दूसरा नाम था वर्धमान, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो 24वें और अंतिम जो आपके क्या कहते हैं तीर्थांकर है कौन थे? महावीर स्वामी या वर्धमान, ठीक?
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, वैदिक युग में, वैदिक काल में, वैदिक काल में गोपति कौन होते थे, गोपति कौन होते थे, ठीक, कौन थे, इंग्लिश में क्या है, हुवर गोपति, हुवर गोपति इन वैदिक पीरियड। तो गोपति कौन होते थे, जो जिसे कहा जाता है गोपति, जो होते थे आपके लॉर्ड ऑफ, लॉर्ड ऑफ कैटल, माने पशुओं का देवता। तो पशुओं का जो देवता था, जो गॉड ऑफ कैटल था वैदिक काल में, उसे किस नाम से जाना जाता था, तो यह आपके गोपति के नाम से जाना जाता था। और जैसे कि आपको पता होगा कि गाय को जो है वहां पे अधन्य के नाम से जाना जाता था, अधन्य। और गायों की जो खोज थी, गायों की जो खोज थी, जिसे कहा जाता था हंट फॉर, हंट फॉर काउस, तो ये कहलाती थी आपकी गविस्थी, गविस्थी। तो ये भी आपके कई बार एग्जाम में आता है कि वैदिक काल में जो गविस्थी था, ये कौन सा वाला टर्म था आपके, तो ये था आपके गायों की जो खोज वगैरह में निकलते थे लोग उस समय। जैसे आजकल लोग बाग पैसे कमाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, तो उसी तरह से उस जमाने में क्या करते थे लोग, गायों की खोज करने के लिए निकलते थे। तो उस खोज, उस सर्च या हंटिंग को कहा जाता था आपके गविस्थी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपके, वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता था, वैदिक मंत्रों का संग्रह, ठीक, वैदिक मंत्रों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स, ठीक। तो इसे क्या, किस नाम से जाना जाता था, संहिता, संहिता या समहिता के नाम से जाना जाता था। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो संहिता था वो किसको कहा जाता था, संहिता जो कहा जाता था वेदाज को कहा जाता था, वेद जो है, जो चार वेद हैं, और जो आपके प्रमुख, प्रमुख संहिता है, तो ये आपके कौन सी है, ऋग्वेद, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा क्या थी, ऋग्वेदा आपके क्या है, मेन जो आपके क्या कहते हैं संहिता या संहिता वो है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ऋग्वेद में जो है आपके कितने हिम्स है आपके, तो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो आपके हिम्स है ऋग्वेद में, यह है आपके 1028, ठीक। और जो वर्सेस है आपके, जिनको हिंदी में कहा जाता है श्लोक, तो यह है आपके 10,600, ठीक। वॉल्यूम या मंडल जिन्हें कहा जाता है, मंडल ऋग्वेद में, तो ये आपके 10 वॉल्यूम्स हो गए। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि वैदिक मंत्रों का संग्रह जो है वो वेदों या संहिता को कहा जाता था, और सबसे जो प्रमुख आपके संहिता या संहिता जो है वो आपके क्या कहते हैं ऋग्वेद है, जिसमें कितने मंत्र थे, 1028 हिम्स, 10,600 आपके श्लोक या वर्सेस, और आपके क्या कहते हैं 10 वॉल्यूम या मंडलों या 10 पार्ट्स में इसको आपके क्या कहते हैं बांटा गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त कौन से वेद से संबंधित था, पुरुष सूक्ताज, तो ये कौन से वेद से आपके, तो यह है आपके ऋग्वेद से, ठीक। तो इट वॉज रिलेटेड टू
ऋग्वेदा। तो पुरुष सूक्त जो क्या आपके किससे रिलेटेड है ये आपके क्या कहते हैं वेद से रिलेटेड है, माने ऋग्वेद का भाग है ये। ठीक, ऋग्वेद का भाग है ये। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य जो फिलॉसफी है, तो सांख्य फिलॉसफी ये कौन है? तो यह है आपके कपिल मुनि, कपिल मुनि। और एक आपके कई बार आता मीमांसा, तो मीमांसा जो दर्शन है इसके कौन थे? तो ये थे आपके जैमिनी। तो मीमांसा के कौन से थे आपके? ये थे आपके जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके फेमटो, फेमटो मींस विच पावर ऑफ 10, माने 10 की घात कौन सा है ये फेमटो? फेमटो जो है 10 की घात में कितना होगा, माने इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो फेमटो की वैल्यू होती है 10 की पावर -15 है। तो 10 की पावर कितनी होती है फेमटो, या इसे फर्मी भी कहा जाता है, फर्मी हम लोगों ने पढ़ा होगा फर्मी। ठीक, एक फर्मी जो होता है ये 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो प्रैक्टिकली जो ये फर्मी है ये दूरी की क्या है आपके सबसे छोटी इकाई है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस फर्मी। ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है फर्मी या फैमटो। तो फर्मी या फैमटो आपके एक ही चीज है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसमें हम लोग क्या मापते हैं, क्या मेजर करते हैं? परमाणु जो एटम है उसका डायमीटर हो गया, रेडियस वगैरह जो भी हो गया, या जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनका हम लोग क्या करते हैं, रेडियस और डाया जो त्रिज्या और व्यास वगैरह है, तो वो हम लोग इसमें मापते हैं। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ठीक, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 आपके क्या कहते हैं लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर, और 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। तो ये जो भी आपके डिस्टेंस से इकाइयां थी, यूनिट थी, वो मैंने सारे आपके सामने रख दी। ठीक, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज द एक्चुअल पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन कौन सी है? गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट आपके क्या कहते हैं गैस पाइपलाइन है, यह है आपके, इसका आंसर क्या होगा? तो यह होगा जामनगर, जामनगर टू लोनी, लोनी गाजियाबाद। जामनगर गुजरात में। ठीक, जहां पे भारत की क्या सबसे बड़ी क्या है ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है जामनगर में, जो कि कौन से ग्रुप का है आपके रिलायंस। तो भले ये प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, लेकिन जो भारत में 22 ऑयल रिफाइनरी है उनमें सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है आपके वह है आपके कौन सी रिफाइनरी? तो यह है रिलायंस की जो रिफाइनरी है आपके क्या कहते हैं, यह है आपके कहां पे जामनगर गुजरात। तो वहां से लेके ये जो गैस पाइपलाइन है, इंडिया के जो सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है ये लोनी तक आती है। इसकी लेंथ है 1270 किलोमीटर।
1270 किलोमीटर। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये कब बनी थी आपके? 9 मई 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गैस पाइपलाइन बनी थी। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को, भारत के किस पूर्व पीएम को, एक्स पीएम को आधुनिक चाणक्य कहा जाता था? आधुनिक चाणक्य या मॉडर्न चाणक्य के नाम से जाना जाता था, ठीक, मॉडर्न चाणक्य। तो ये कहा जाता था पीवी नरसिम्हा राव को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक, जो कि आपके क्या कहते हैं 1991 से लेके 96 के बीच आपके क्या कहते हैं क्या थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं को जो है भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फादर ऑफ एलपीजी पॉलिसी, ठीक, एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो कई बार एग्जाम में एलपीजी की फुल फॉर्म आ जाती है, तो एल का मतलब यहां पे क्या है, लिबरलाइजेशन जिसे कहा जाता है उदारीकरण। पी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन जिसे कहा जाता है निजीकरण। और जी का मतलब होता है आपके ग्लोबलाइजेशन या जिसे कहा जाता है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ठीक। तो ये जो एलपीजी पॉलिसी है ये इन्हीं के समय में आई थी। देखो इनको इसलिए कहा जाता था कि इनके पास उस टाइम पे इतनी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन ये कोई भी मतलब आपके क्या कहते हैं बिल वगैरह पास करवा लेते थे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनका जो विपक्ष था, हमारा जो विपक्ष है अपोजिशन रहा होगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से थे, तो उस समय जो भी विपक्ष था उनके साथ इनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो अच्छी ट्यूनिंग होने की वजह से क्या था, कोई भी बिल या विधेयक को आसानी से पास करवा लेते थे। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, आधुनिक चाणक्य या मॉडर्न चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है, रूमी दरवाजा कहां है, ठीक, रूमी दरवाजा तो यह है आपके लखनऊ में, और इसका निर्माण करवाया आसफ उद दौला ने कब करवाया, 1784 में, ठीक। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई कानून को सरकार ने कब पास किया, ट्राई एक्ट कब पारित हुआ, माने कब पास हुआ। तो ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक्ट है आपके, ये 1997 में पास हुआ है, ठीक। तो ये जो आपके ट्राई है, आपको पता होगा ये क्या काम करता है ट्राई, भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी जो कॉल रेट्स हैं,
उनके जो टैरिफ रेट्स हैं, टैरिफ रेट्स को क्या करता है, कॉल रेट्स है, टैरिफ रेट्स को क्या करता है, ये डिसाइड करता है। तो ये है आपके ट्राई का काम। तो ये था भाई आपका ये वीडियो है? तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।